राशि प्रदान करी उन सभी पावन सारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम कृष्णलाल जी गुप्ता की तरफ से सुधा 1101 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। कृष्ण कुमार सिंह जी की तरफ से सुधा 1111 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सेवन जी रजक की तरफ से धमतरी छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, खेमलाल जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। ऋषिका जी मलन की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, अशोक जी नंदनवार की तरफ से नागपुर मराठी से सुधा 1100 रुपए, सुनीता जी मालवीय अजमेर राजस्थान से सुधा 500 रुपए, मुरारी जी झा की तरफ से झारखंड से सुधा 1100 रुपए, गीता जी सक्सेना चंडीगढ़ पंजाब से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। चुन्नीलाल जी नेताम की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, ललिता जी पौरवाल की तरफ से रावत भाटा से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। गिरजा देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1000 रुपए, माही प्रांजल जी की तरफ से सुकमा से सुंदर आपने 1000 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। अक्षय कुमार जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 1200 रुपए, दिलीप जी आपटी की तरफ से पुणे मराठे से सुधर 151000 रुपए की स्वर्ग राशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधर स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। विशाल सिंह जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 11000 रुपए की स्वर्ग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। मेघा जी गुप्ता मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 50001 रुपए की स्वर्ग राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। सुमित्रा सत्यनारायण जी शर्मा अजमेर राजस्थान से सुंदर 1001 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। रामरती देवी जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुंदर 2100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समर्पित की। रोजी सिंह जी अंबेडकर नगर से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। दीपक कुमार जी विश्वकर्मा बिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 1000 रुपए, अशोक पाल सिंह जी चौहान की तरफ से एटा उत्तर प्रदेश से सुंदर 1100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समर्पित की। शैलजा जी मिश्रा मुंबई से सुंदर 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। सत्यनारायण जी गौर की तरफ से छत्तीसगढ़ से चित्तौड़गढ़ से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। संदीप विजय लक्ष्मी जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, रामचरण जी साहू की तरफ से फतेहपुर से सुधा 2100 रुपए, कृष्णा जी कछवा की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम से समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि अपने समृद्ध की। राजू लाल जी साहू की तरफ से भीमतरा छत्तीसगढ़ से सुधा 2100 रुपए, मधुबाला जी कौशिक हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 2100 रुपए, टीना जी अवस्थी पुणे मराठे से सुधा 1000 रुपए, शीला देवी जी की तरफ से हरियाणा सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि अपने समृद्ध की। शिवचरण सिंह जी नेगी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए, गुप्ता में सुधा 3100 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। मंदा भाई अशोक जी गड़ेकर की तरफ से सिडी महाराष्ट्र से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। बाबूलाल जी दिनेश कुमार जी शर्मा दोसा राजी था तो सुधा 1000 रुपए, इंदु जी शर्मा पंचकूला हरियाणा सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। मालिक चंदे दे जी की तरफ से झारखंड से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। राजकुमार सुधा जी गर्ग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, मंजू राकेश जी शर्मा ठाणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए, इसने लता जी दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। गोविंद राम जी जवर की तरफ से बीकानेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, लुंगू श्री जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 2500 रुपए की स्वर्ग राशि समर्पित की। अनिल कुमार भगवान सिंह जी ठाकुर की तरफ से मथुरा उत्तर प्रदेश से सुधा 1801 रुपए की स्वर्ग राशि अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। कुशमा देवी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, भोला कुमार सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। बसन राव जी गुंजाल की तरफ से यवतमाल महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। गुप्ता में सुधा 1500 रुपए, अंबिका दिनेश जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। हरिजी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, श्री गणेश जी रेसिडेंसी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। राहुल जी तिवारी की तरफ से हरिद्वार उत्तराखंड से सुधा 1000 रुपए, विपिन के आर सिंह जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए, कमलेश जी दिल्ली से सुधा 1100 रुपए की स्वर्ग राशि समृद्ध की। प्रतीक जी लियान जी माणिकपुरी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए, हरिप्रसाद जी भगवान लाल जी मोहता की तरफ से सुधा 1100 रुपए, महावीर जी पारी की तरफ से सुधा 1100 रुपए, कविता त्यागी जी डोली जी त्यागी की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुधा 1200 रुपए की स्वर्ग राशि अपने समृद्ध की। भगवान भवर सिंह जी चौहान की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, दिव्या बहन जी बरई की तरफ से गुजरात से सुधा 5000 रुपए की स्वर्ग राशि अपने बाबा कमरेश्वर धाम से समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। पुष्पेंद्र जी शर्मा अजमेर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए, मधु जी श्रीवास्तव की तरफ से गोड्डा महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए, पुनीत जी रसोगी मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए, सुनीता जी अग्रवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 4201 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वर्ग राशि आपने समृद्ध की। बाल मुकुंद जी गुप्ता की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, जय बहादुर सिंह जी की तरफ से सीधी मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, मनोज जी वर्मा की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए, स्वर्गीय जसन जी गुलाटी की स्मृति में भटिंडा पंजाब से सुधा 1100 रुपए, लीला देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, सुरजीत जी पठानिया की तरफ से सुधा 1100 रुपए, गुलशन कुमार जी पंजाब से सुधा 1100 रुपए, रीतिका जी यादव की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए, विष्णु जी गोयल हरियाणा सुधा 1100 रुपए, राम जी राय की तरफ से जिंद हरियाणा सुधा 1551 रुपए की स्वर्ग राशि आपने समृद्ध के। मुकेश दयाशंकर जी राय की तरफ से मुंबई से सुधा 1000 रुपए, पुरुषोत्तम जी नामदेव की तरफ से बुलडाणा महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए, सुशीला जी चांडा की तरफ से
बीकानेर राजस्थान से सुधर रखे सौ रुपए की सौगर से समृत की नालीज भाई जी अंबदाची की तरफ से जलगांव मराठे से सुधर रखे सौ रुपए की सौगर से समृत की भागी राज्य की तरफ से जलगांव मराठे से सुधर करो सौगर में सवित्रा जी मिश्रा लखनऊ उत्तर प्रदेश से किस हजार रुपए की सौगर से अपने बाबा कमरेश्वर धाम से समृत की बहुत बहुत बधाई सदा विचार आपके सुधर सौगर से अपने समृत की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ सुंदर सौगर से अपने समृत की जो भक्त अपनी सौगर से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम में तो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के दो अकाउंट नंबर चल रहे हैं एक एक्सिस बैंक का एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दोनों अकाउंट में से किसी में भी अपनी सौगात से आप समर्पित करके अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे और जो भक्त अपनी सौगात से या धूलिया की पवन धारा पर समर्पित करना चाहते हैं वे कथा पंडाल के ठीक सामने श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी सौगात से जमा कर कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी प्रथम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विश्वनाथ भगवान गौराम महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की खेड़ापति सरकार कुबरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान संत सद्गुरुदेव गौमाता चिंता संतान हंकारोप्य प्रदान यदमृतो जंतुवा सर्वदुखातिगो बलोत्तमं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनं अज्ञात मेरा घास ज्ञान जय शलाकया चक्षुरन्मीन नमा हृदय शेष लीलाचरती शयनम लक्ष्मी सहस्रांश चतुर्भिश्व चतुर्भिश्व त्रिभिस्तवा शरण जायते बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय।
काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देव आदिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं महाराष्ट्र की भूमि के सभी श्रोता भाई बहन, जो धूलिया नगर में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को दीपावली महापर्व की, गोवर्धन पूजन की और मेरी जीजियों को आज भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, कीर्तनिया एवं कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के आमदार, खासदार,
एवं नगरपालिका महाध्यक्ष, कथक के मुख्य यजमान श्री दादा भाऊ भूसे जी, सो अनिता जी भूसे जी, मालेगांव इस महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से श्री सुभाष जी भामरे, श्रीमती बीना जी भामरे धूलिया से, श्री बाला साहेब जी मंदाणे, श्री मालिनी शालिनी मंदाणे धूलिया से, श्री अनूप जी अग्रवाल, श्रीमती अल्पा अग्रवाल जी धूलिया से, श्री आविष्कार जी भूसे, श्रीमती लतीशा जी भूसे मालेगांव से, श्री चेतन जी मंडोरे, श्री अंजना जी मंडोरे धूलिया से, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कार्तिक के महीने में महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर अपने को दिया है। बहुत छोटे से समय में, लगभग 9 से 10 दिन का समय, आविष्कार जी भूसे जी को मिला। यह महाराष्ट्र की हमारी दूसरी ऐसी कथा है। एक परभणी में करी थी, उसमें भी लगभग 8 से 10 दिन का समय था। जब कोई कथा कैंसिल होती है तो एक रजिस्टर में नाम रहता है कि ये 10 दिन में तैयारी कर सकते हैं। वो सीहोर में लिखा के जाते हैं कि कथा अगर कैंसिल हो तो हमको 10 दिन में भी, हम 8 दिन में भी हम तैयारी कर सकते हैं, उनकी लिस्ट होती है। जब कोई कथा कैंसिल होती है तो वहाँ सूचना करी जाती है। एक परवणी के सांसद जी ने जो कथा कराई थी वो भी केवल 8 से 10 दिन की तैयारी थी। और एक आज मैं साधुवाद दूंगा श्री आविष्कार जी भूसे जी को, जिन्होंने कथा तो ली और 10 दिन के अंदर पूरी तैयारी कर ली। बहुत बहुत साधुवाद। ये कथा दुनिया के लोग कहें कि राजनीतिक समीकरण से हो रही हो, या कोई राजनेता के हिसाब से हो रही हो, या कोई राजनीतिक विचार से हो रही हो, भूखे को भोजन मिलता है तो वो ये नहीं देखता कि भोजन में घी डला है कि नहीं डला। भूखा जो होता है ना, उसको भोजन से मतलब होता है, और भक्त जो होता है उसे भगवान से मतलब होता है। ये कोई साधारण सी पुराण नहीं, 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण के अंतर्गत है। उसमें से अगर एक शब्द भी हमारी जिंदगी को सवार दे तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। एक शब्द भी। कार्तिक के महीने में सुन रहे हो, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं श्री कार्तिकेय महाराज, जिनका जन्म इस कार्तिक के महीने में हुआ है। उस कार्तिक के महीने में जब आप कथा करस्तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो तो ये विचार करिएगा कि भगवान देवाधिदेव महादेव के सुपुत्र षडानंद कार्तिकेय जी महाराज अपने भक्ति में इतने लीन हो रहते थे कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा उन्हीं के पास आते थे।
अगर कार्तिक के महीने में ये कथा आपको मिल रही है, कार्तिक के महीने में आप अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये विचार करिएगा कि मेरे बाबा की कोई साधारण कृपा नहीं हुई है, धूलिया वालों पर दम से कृपा हुई है, इसलिए ये कथा यहाँ 5 दिन की मिली। शिव कथा देती क्या है? कोई कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करने पर हमें मिलता क्या है? जितने भी भक्त आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, और इस धुलिया नगर के अंतर्गत कथा को श्रवण कर रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि शंकर क्या देते हैं, तो शंकर केवल मनुष्य की जिंदगी में जीने का बल देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। एक छोटी सी चाय की भी दुकान अगर आप खोलें, तो ये विचार कर खोलना कि मैं अपना कर्म पूरा करूंगा, और जब कर्म पूरा करूंगा तो मुझे उसमें फल जरूर मिले। हम हमारे लक्ष्य में पीछे ना हटे। जो अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है, कर्म करते करते पीछे हट जाता है, फिर उसका फल नहीं मिल पाता। अपने भीतर से अहंकार को निकाल कर बाहर फेंक देना, काम को निकाल कर बाहर फेंक देना, लोभ को निकाल कर बाहर फेंक देना। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, आप धूलिया के कितने बड़े भी सेठ हो, आपके पास में करोड़ों की जायदाद क्यों ना हो, कितनी भी फैक्ट्री तुम्हारी चल रही हो, कितना भी धन तुम्हारे घर में हो, तुम किसी भी पद के राजनेता अधिकारी हो, 5 दिन के लिए तुम अपना सत्ता, अपना वैभव, अपना धन अपने घर पर छोड़ो और कथा के पंडाल में बैठो, तो केवल शंकर के भक्त बनकर बैठो कि मुझे शिव की भक्ति चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक कंकर बाहर पड़ा हुआ है, तुम चल के जा रहे हो, चुभेगा, तुम उस पे से भी निकल कर जा सकते हो। उस कंकर पे से तुम निकल कर जा सकते हो, तुम चल सकते हो, दिक्कत नहीं है। पर एक कंकर तुम्हारे जूते के अंदर भर गया तो तुम बहुत लंबा चल नहीं सकते। जब तक उस कंकर को तुम जूते के अंदर से निकाल नहीं दोगे, तब तक तुम लंबा चल नहीं पाओगे। उस कंकर को जूते के अंदर से निकाल कर बाहर कर दोगे, उस कचरे को जूते के अंदर से बाहर कर दोगे, तो तुम लंबा चल सकते हो। जिसके अंदर, जैसे जूते के अंदर कचरा है, कंकर है, तो लंबा नहीं चल सकते। अपने अंदर यदि अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चल नहीं पाता, बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाता, उसको बढ़ने के लिए, उसको चलने के लिए भीतर के अहंकार को, भीतर के लोभ को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर की वासना को, भीतर के अहम को उसे निकालना। भीतर का अहम जब समाप्त हो जाए, भीतर का अहंकार जब समाप्त हो जाए, तब परमात्मा की भक्ति मूल हो जाती है। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटी ना मैं
भोले शंभु तेरी हवा बिच उड़ती जावानी, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर भोले में तेरी शंभु में तेरी। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन के लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, मंजिल तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो अपने भीतर के अहम को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की तृष्णा को, अपने भीतर के लोभ को, अपने भीतर के अहम को आपको निकालना पड़ेगा। जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिलेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते। कहा एक धोबी कपड़े को कब तक रगड़ता है? जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है, दाग निकल जाता है, तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते? तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध, अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है, तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता, तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं मिलता। जैसे धोबी कपड़े को धोता है, दाग रहा है, जब तक दाग समाप्त नहीं होता, तब तक वो धोता रहता है, उस पर पाउडर लगाएगा, साबुन लगाएगा, गर्म पानी में डालेगा, खंगालेगा, घिसेगा, मलेगा, उसका दाग मिट जाएगा तो वो फिर घिसना छोड़ देगा, जब तक दाग नहीं हटता तब तक वो घिसता है, दाग हटा उसने घिसना। शिव भी जब तक आप भीतर अहंकार भरा हुआ है, थोड़ी सी तृष्णा भरी हुई है, थोड़ा सा क्रोध भरा हुआ है, थोड़ा सा अहम भरा हुआ है, वो घिसेगा, थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएंगी, थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आएगी, पर घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं। अरे मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे,
हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा टोर कटी जावांगी भोले मेरे शंभू मेरे वो घिसेगा रगड़ेगा थोड़ी जिंदगी में तकलीफें दुख कष्ट आ सकता है पर घबराना नहीं है चिंता नहीं करना सब चलता है क्यों आप लोगों ने गाय चराने वाले को देखा है कभी जम के तो बोलो रे धूलिया वालो जरा गाय चराने वाले को देखा है बकरी चराने वाले को ठीक है बकरी चराने वाला बकरी चराता है पानी भी पीता है रेडियो में गाना भी सुनता है बोलो सही है कि गलत है छाता लेके चलता भी है रोटी भी खाता है पर बकरी चराने वाले का ध्यान कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर रहता है बोलो रहता कि नहीं रहता जम के तो बोलो जरा रहता है ना बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहता है गाय चराने वाले का ध्यान बोलते जाओ जरा गाय पर रहता है और दुनिया चलाने वाले का ध्यान दुनिया के एक एक व्यक्ति पर रहता है बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहेगा गाय चराने वाले का ध्यान गाय पर रहेगा वो कुछ भी करे पर उसका ध्यान गाय पर रहता है रेडियो सुने सोए जागे खाए पिए पर ध्यान गाय पर है कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर है उसी तरह जिसने ये दुनिया बनाई जिसने ये सृष्टि बनाई जिसने ये रचना करी मेरे देवाधिदेव महादेव का ध्यान एक छोटा सा छोटा जीव है जलचर है थलचर है वायुचर है मनुष्य है पशु है पक्षी है कोई भी उसका ध्यान सब पर उसका ऐसा कोई नहीं जिस पे मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान है पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं माताएं तो भगवान से कह देती हैं हम बड़े दुखी हमने एक बार व्रत कर लिया तू हमारी सुनता क्यों नहीं तेरी कृपा दृष्टि हम पर होती क्यों नहीं भोलेनाथ जी कहते जी घबरा मती धोबी कपड़े को धोता है जब तक उसका दाग ना चले जाए तब तक साबुन लगाता है तब तक गर्म पानी में निकालता है खंगालता है कूटता है पीटता है कपड़ा साफ हो जाता है फिर धोबी उसको नहीं धोता भगवान कहते हैं तूने एक बार पशुपति व्रत करा काम नहीं हुआ चिंता मत कर थोड़ा सा दाग रह गया होगा वो और धुल जान दे फिर वापिस कर नहीं हुआ काम फिर वापिस कर बाबा सुनेगा जरूर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ाता है थोड़ा समय लग सकता है पर मेरा देवाधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ते भंडार भरते जरूर वो खाली ना छोड़ते वो भरते जरूर है अभी हम ज्यादा पत्र नहीं पढ़ पाए परंतु ये पत्रों का ढेर है समय ना मिला इसलिए नहीं पढ़े पर इसमें 2-3 पत्र हमने पढ़े पत्रों में लोगों ने लिखा
मेरा नाम भरत चुन्नीलाल जी चौधरी है, पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी है। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम भरत चुन्नीलाल जी चौधरी और पत्नी का नाम काजल भरत चौधरी। मैं धूलिया देवपुर महाराष्ट्र का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उधर हैं क्या? हाँ ठीक है, ऐसे हिला दो एक बार हाथ, बाकी के सब लोग मत हिलाओ। जो जजमान है, जो लिखे हैं पत्र, वो हाथ हिलाएं तो मालूम तो पड़े। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, भगवान पर किया गया भरोसा किसे कहते हैं? मेरी पत्नी के जब गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया 20/7/2023 को, डॉक्टर ने पत्नी के लिए जवाब दे दिया कि इसको आधे घंटे के करीब में, इसके बाद इसके प्राण नहीं है, बस थोड़ा सा समय आपके पास में। सब रोने लगे, आंखों में आंसू भर गए, टेंशन बढ़ गया और सबकी आंख में आंसू थे। पर एक बेलपत्र, एक लोटे जल का फल क्या होता? डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि इसके पास समय कम है, क्योंकि इसको तकलीफ कुछ अंदर शरीर में हो गई है, जिसके कारण बस इसके प्राण नहीं बचेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जा सकते हैं। हमने उसी हॉस्पिटल में रखा, एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई उसके पलंग पर ले जाकर रखी। बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर उसको मुख में थोड़ा सा जल दिया। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करें, बीवी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों यहाँ प्रणाम करने आए हैं। बाबा की कृपा इसी को कहें, शिव तत्व इसी को कहें। बैठिए बहन, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कथा, शंकर की भक्ति किसको कहे? शिव की आराधना किसको कहते? कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां। हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचा कर छोड़ता। वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है।
पर वो दुख मिटेगा कैसे? राम जी का दुख कैसे मिटा था? राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो आपके पास में है पंचवटी, आपके पास में नासिक लगा हुआ है, पंचवटी लगी हुई। ये कथा 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 21 तारीख को नासिक में माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाएगी। आपके नजदीक में लगी है पंचवटी, चलो जाओ। जितने राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे, और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना, मेरे राम जी महाराज तो उठा कर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला, चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है? ये हवा चलती है, तूफान आता है तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती की। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता। दिया जी क्या भाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला मां। बोतल के दूध में और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर माँ का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्ला कर कहता है हार हार। और शिवाजी ने कह दिया माँ तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा,
माँ कहती है सेना, शिवाजी कहते हैं सेना की जरूरत नहीं है माँ, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और माँ के पास में आए, तब माँ कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, साथ ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बल उत्पन्न कर। ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दूं, पक्का? जो धन को गले लगाकर पड़े रहे, पड़े रहे, पड़े रहे, ना दान कर पाए, ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चाकरी, हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है, और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है, खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है, वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा, तुझसे तो अच्छा भिखारी। जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है, भिखारी कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा, जब मुझे गाड़ी दोगे 4-व्हीलर, तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं, पिता ने जमाई को, दामाद को 4-व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली, चौराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया भिखारी ने, बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिए। पति ने कहा
दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा, मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी, तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता। मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूँ, ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती हूँ। भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहाँ जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, पर अपनी बेटी जो देना ना, उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है, कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल, जम के बोलो तीन चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं ना, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो वहां के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरुजी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना, कितना सुनना पड़ता। हमने कहा, भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे, ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिए की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्र घंटा बन जाती है, तुरंत। जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाता, ना ना ना, प्रेम बढ़े तुम्हारा। कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना, कल सुधरेगी, आज नहीं बना पा रही है ना, कल बनाएगी। पर कभी चार लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है, ना, कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो, अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था, आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास करो, ये आपकी जवाब। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो बल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलोले उसको दही को,
बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे ही माखन आया तो बहू चिल्ला के जोड़ी, मम्मी आई, माखन आ गया। सास गुस्से में धनधनाती हुई आई, बहू में एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं मालूम। कल की आई ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवान खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बार चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आ गए। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकती है, क्योंकि ससुर का नाम नहीं लेना उसने, ससुरा हंडी में पड़ा। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर अपशब्द कहकर तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, पर आपके हाथ का लोटा आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए। वाकर लाकर और साकल, ये 3 पर आज की पूरी जिंदगी चल रही है। बुढ़ापा वाकर से निकल रहा है, जवानी साकल पकड़ के निकल रही है, और कई लोगों की जिंदगी, माताओं की जिंदगी लॉकर से निकल रही है कि मेरे पास लॉकर में इतना रखा है। हमारा निवेदन है, लॉकर में जो रखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, पर इस हृदय के अंदर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, तो ये अंत समय तक तुम्हारे काम जरूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी सवरेगी। एक पत्र आया है, उज्ज्वला अजय सोनबणे, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। उज्ज्वला अजय सोनबणे, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चे को लाई हैं क्या, बच्चे को लाई हैं, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठे हों। उज्ज्वला अजय सोनबणे, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर ये है, अगर बच्चे को लाई हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरे भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, सभी का पूजन पाठ भी करवाया, जो जो उन्होंने बताया, कोई डॉक्टर दवाई बताता हम वो करते, अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमारे परिवार वाले कहते वहां जाकर गोदी में नरियल झेल लो, संतान होगी, हमने वो भी करा। कोई ने कहा ये कर लो, हमने वो भी करा, जो जो बोले दुनिया के लोग वो सभी ने हमने वो करा। गुरुदेव आखिरी में एक दिन मेरी सासू माँ ने बताया कि सियोर वाले बाबा मालेगांव में कथा चालू हो, तो मैंने और मेरे पतिदेव एक आखिरी बार सोचा कि इतने सारे बाबाओं के यहाँ होकर आए, इतने सारे महाराजों के यहाँ होकर आए, इतनी सारी जगह होकर आए, डॉक्टरों को भी दिखाया, बाबाओं को भी दिखाया, पर कोई फल नहीं हुआ। गुरुदेव अब आखिरी बार मेरे पति और मैंने विचार करा कि सास बोल रही है कि मालेगांव में कथा चल रही है, एक बार वहां जाकर पंडाल में बैठकर, जमीन पर बैठकर बाबा को प्रार्थना कर कर, जब गुरुजी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उनके साथ में दिल से बोलकर बाबा से प्रार्थना कर कर आना, वो खाली नहीं छोड़ता। मैंने टीवी पर देखा, मेरी सास का कहना माना,
मैं और मेरे पति देव आखिरी बार ये विचार कर कर गए कि इसके बाद हम किसी बाबा के दरवाजे नहीं जाएंगे। हमने कथा में बैठकर पंडाल में बैठकर कथा सुनी और संतान मांगी बाबा से, हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा तो सही में बाबा है। वहां से आने के बाद मन में आया कि आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक लोटे जल के बारे में बताया, हमने वो करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा तो बाबा है, उसकी कृपा से उसकी दया से आज मेरा 8वां महीना चल रहा है और बाबा की कृपा से मैं कथा सुनने के लिए आई हूं। यह शिव तत्व है। एक लाइन आपने बहुत सुंदर लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार कर दिया माला, गुरुदेव जहां डॉक्टर काम नहीं आए, सारी दुनिया में हम लोग गए परंतु कोई फायदा नहीं हुआ, पर शिव महापुराण में कोई भाव नहीं, केवल कथा सुनो, प्रणाम करो, नमन करो, पशुपति व्रत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, सही में बाबा को चढ़ाया जल किसी औषधि से कम नहीं है। आज मेरा 8वां महीना चल रहा है, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए शिव तत्व आई हुई है। उज्ज्वला अजय सोनवड़े, एग्रीकल्चर कॉलेज धूलिया, मोबाइल नंबर लिखा हुआ, बड़ा सुंदर भाव है। शिव तत्व है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना शिव को पाना सरल, उतना आप शिव को करीब में पहुंचते जाओ, शंकर के करीब में पहुंचते। महाराज वो कहते हैं ना, हे डमरूधर भोले शंकर हम भी तुमको गम पहले से कम तो न थे, एक मुसीबत ले बैठे। भगवान शिव से जितने दिल लगा लिया, भगवान शंकर से जिसने मन लगा लिया, फिर वो भटका नहीं। पत्र में इस बहन ने लिखा, भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, क्या केवल शिव पुराण सुनने से फल मिल जाता है? ए धुलिया वालों, 5 दिन की शिव पुराण है, भंडारा कराने वाले, बिस्कुट बांटने वाले, पानी बांटने वाले, मुंह झूठा कराने वाले, आप अपनी डायरी छोटी सी लो, उस छोटी सी डायरी में तारीख दिन लिखो और लिखो 5 रुपए का पानी का पाउच पिलाया, कथा में शिव पुराण में इतनी तारीख को, 3 महीना नहीं, अब तो हम 3 महीना भी नहीं कहते, 1.5 महीना इंतजार कर ले। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। तुम महाकाल रूप
में आना, तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना, तुम महाकाल रूप में आना, मां काली को संग में लाना, काली को संग में लाना, माँ काली को संग में लाना, डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना, डमरू साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना, त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना, बड़े भाव से आनंद के साथ। महाकाल बन के आना, तुम महाकाल रूप में, तुम कमल बन के आना, तुम कमल बन के आना, माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग, माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना, गंगा माथे चढ़ के त्रिशूल माथे चढ़ के चले आना, भोले जी चले आना, गंगा माथे चढ़ के त्रिशूल मस्तक चढ़ के चले आना, जी चले आना।
बाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। विश्वनाथ बन के आना, विश्वनाथ के बन के आना, विश्वनाथ के रूप में आना, विश्वनाथ के रूप में आना। अन्नपूर्णा को संग में लाना, अन्नपूर्णा को संग में, अन्नपूर्णा को संग में लाना, अन्नपूर्णा को संग में लाना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। डमरू साथ लेके त्रिशूल हाथ लेके चले आना, भोले जी चले। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना।
बन के कंसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के संसारी बन के चले आना, भोले जी चले आना, 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 चले आना, भोले जी चले आना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा से कहिएगा। जो बाबा से कह सकते हो भाव से कहिए, बाबा से प्रार्थना दिल से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर, कार्यकर्ता भी बार बार कथा सुनने का मौका नहीं मिलता, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। जहां आपको जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा को बोलना। जिसको साथ में बोलना आता है वो बड़े भाव से अपनी आवाज को तेज कर कर हम तक भी आवाज पहुंचे, इस भाव से अपने हृदय की बात बाबा से कहिए। श्री शिवा नमस्तु, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो भाना, ओ भोला सब दुख काटो भाना। शिव शंकर जब तेरी माता बोले बाबा, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। भगवान ओघड़ी दातार का चरित्र कह रहा है। थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है पर हमें संभलने का मौका देता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के नजदीक में विराजमान थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे।
बहुत सारी बातें भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कही। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है, थोड़ा ध्यान देना। बहुत सारी बातें भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे थे। अब लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और लगा हुआ था। कई लोग कथा में आकर बैठते जरूर हैं, पर ध्यान अगर कहीं दूसरी जगह लगा है तो उसका फल नहीं मिलता। फल की प्राप्ति तब है जब आपका शरीर कथा में है तो मन भी कथा में होना चाहिए। अब नारायण कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं। लक्ष्मी जी का चित्त कहीं लगा हुआ था, कहीं अन्य जगह पर कहीं मन लगा हुआ। हम सीहोर अगर कोई आता है, कुबेरेश्वर धाम अगर कोई आता है, तो हम उनसे कहते हैं, देखो कुबेरेश्वर धाम का मंदिर का निर्माण चालू है, धर्मशाला का निर्माण चालू है, गौशाला का निर्माण चालू है, वहां इतनी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। आप अगर वीआईपी व्यवस्था देखने के लिए अगर आ रहे हो कि हमको वहां पर रुकने की व्यवस्था वीआईपी हो, भोजन व्यवस्था वीआईपी हो, तो हम उनसे कहते हैं कुबेरेश्वर धाम मत आओ। अगर आप कुबेरेश्वर धाम आए हो तो तुम्हारा सबसे मूल मन कंकर शंकर में होना चाहिए, और कंकर शंकर की जब पूजन करो तो तुम दिल लगा कर करना, तो बाबा वापिस जाओगे तो बेग खोलने नहीं देगा, उस बेग को लेकर वापिस बुला लेगा। ये शिव है, जाओ घड़ी। अगर मन लगाकर नहीं बैठे हो, मन लगाकर स्मरण नहीं कर रहा है, मन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सुख नहीं है कुछ भी, उसका कोई फल नहीं है। हृदय रखकर अगर कथा का लाभ ले रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा उसे। वो खाली नहीं जाता। ये दादा बाबू भूसे जी, आविष्कार जी भूसे जी, ये सब बाद में शंकर भगवान से, शिव महापुराण से बाद में जुड़े। पहले अगर इनको कोई ने जोड़ा है तो श्री दादा बाबू भूसे जी की धर्म पत्नी सो अनीता जी भूसे जी यहाँ पर बैठी हैं। ये एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम बाबा के दरवाजे पर आती रही, प्रणाम करती रही, कंकर शंकर पूजन करती रही, और बाबा से प्रार्थना करती रही कि एक कथा मालेगांव मिले, क्षेत्र मिले। फिर बाबा ने कुछ कृपा कर कर बच्चों को पकड़ा, फिर ये कथा में जो भामरे परिवार जुड़ गया, फिर मंदाड़े परिवार जुड़ गया, फिर धीरे धीरे अग्रवाल परिवार जुड़ा, और ऐसे ये सब मंडोरा परिवार आदि आदि जो जुड़े। और वो कहते हैं ना, जब कोई बड़ा घर में आयोजन होता है ना, तो परिवार के लोग जब जुड़कर करते हैं तो उसका एक आनंद कोई दूसरा ही होता है, और वो धुलिया वालों ने सिद्ध कर दिया, वो धुलिया के भक्तों ने सिद्ध कर दिया, उसका एक आनंद ही बना। शिव अगर पकड़े तो मन से पकड़े। आप अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हो तो दिल से जाना, दिखावे से मत जाना। अगर किसी के दिखावे से जा रहे हो, दो तीन महीना चले गए, दो महीना चले गए, डेढ़ महीना चले गए, दिखावे से पहुंच गए, उसका कोई लाभ नहीं है हमारा। लाभ कब मिलेगा? जब आप उसका दरवाजा ना छोड़ो। एक पत्र आया है,
पहले तो हम आपसे कहें कि पत्र जब भी लिखो ना तो ऐसी शाही से लिखो कि जो हमारी पढ़ाई में आ जाए। वो शाही भी ऐसी है कि चमक करो तो दिखती है, अब लाइट का थोड़ा सा उस पर प्रभाव पड़ना चाहिए तब उसकी शाही आपको नजर आ रही है क्या है? तो वो लाइट का थोड़ा सा इसमें दिखता है, है? दिखता है तो दिखाइए। ज्योति ईश्वर सोनार पारो का भाभी सो मीनाक्षी सुनील विस्पूते पता है साई दर्शन कान्नी चित्तौड़ रोड मील परिसर धूले। अपन धूलिया समझ जाओ बस, ठीक है। और मोबाइल नंबर है, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, चैनल में दिखेगा ये दिखता है 2020 तुम्हें दिखेगा तो हमें ना दिखेगा। मुझे 2020 में कैंसर हुआ था, नासिक अस्पताल में जांच करना है पर मालूम पड़ा कि हृदय का कैंसर, हार्ट में कैंसर है और उसमें गठाने हैं ऐसे बताया गया और इलाज करना प्रारंभ करा। 3-4 हॉस्पिटल में जाकर दिखाया, सभी में कैंसर बताया। कैंसर का इलाज प्रारंभ हुआ, मेरी घर की परिस्थिति नाजुक है, शादी को 30 साल हुए, कोई संतान मुझे नहीं है, मैं बीमार रहनी, अब करूं तो करूं क्या। तब मेरी भाभी सो मीनाक्षी, उन्होंने मुझे कहा घबराओ मती दीदी, आप एक काम करो, सियोर वाला महाराज शिव पुराण की कथा कहता है उसको सुनना प्रारंभ करो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव दुख तो दुख है, हार्ट में तकलीफ बढ़ने लगी, इतना कष्ट होने लगा कि हमने सोचा कि ये रुद्राक्ष का जल पिया तो इतनी तकलीफ बढ़ रही है और महाराज तो कहते हैं कि ठीक होते हैं लोग, बहुत तेज कष्ट होने लगा। डॉक्टरों को दिखाया, कैंसर ज्यादा था शरीर में, पर विश्वास इतना था कि सीहोर होकर आई हूं और शंकर की कथा टीवी पर सुनती हूं तो मेरा कैंसर ठीक होगा, यह मेरा भरोसा कहता है। गुरुदेव अब करूं तो करूं क्या, तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है, जल पी रही हूं, शिव जी के मंदिर जा रही हूं, पशुपति व्रत कर रही हूं और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। गुरुदेव एक दिन दर्द होते होते, जलन होते होते, धीरे धीरे जलन थोड़ी कम हुई, तब मैंने मुंबई के हॉस्पिटल में जांच कराई और मुंबई के हॉस्पिटल में सारी रिपोर्टें दिखाई। जब सारी रिपोर्ट दिखाई तो जांच करने पर मालूम पड़ा कि अब तुम्हारा पूरा कैंसर समाप्त हो गया है। शिव कथा इसी को बैठिए बहन, अब ठीक हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव, बैठिए। शिव कृपा इसी को कर, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पाए बसाए, अपने दया से लगा लो जा रहा हूं, उठा लो। आप जब मन लगा लिए, आप जब दिल लगा लिए देवाधिदेव महादेव से, हम जितने लोग कुबेरेश्वर आते हैं हम उनसे कहते हैं आपका मन नहीं होना तो कुबेरेश्वर धाम बिल्कुल मत आओ, आपका दिल नहीं होना
तो कुबेर भंडारी के दरवाजे पर बिल्कुल माता। आपका अगर दिल है, मन है, तो कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, कंकर शंकर जरूर, उसका फल मिलता। एक 14 साल का लड़का रोहित प्रकाश पवार, मेरी पत्नी का नाम है छाया रोहित पवार, गांव फांगड़ा, तहसील धूलिया, डिस्ट्रिक्ट धूले। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो, अगर कहीं बैठे हो पीछे है, बच्चा आया है साथ में है? नहीं आया? मेरा मोबाइल नंबर ये है, हाथ हिला दो एक बार। एक लोटे जल का महिमा क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने मुझे 1 महीने में फल दिया। मेरे बेटे के कान में गठान हो गई थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान ठीक नहीं थी, जांच कराई, जांच कराने पर डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है, जल्दी कराना पड़ेगा, नहीं तो और तकलीफ आगे बढ़ जाए। बड़े रोग के आसार दिखने लगे, करें क्या, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। मैं बच्चों का फोटो भी लगा रही हूं और डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूँ, जिसमें बच्चे के कान में गांठ बताई गई और इलाज के लिए बाहर जाने को कहा गया। अब करें तो करें क्या, मैंने अपने बच्चे को एक लोटा जल लेकर मंदिर भेजना चालू कर दिया और बाबा से कह दिया अब ये औलाद तेरी है, अब मेरा बेटा नहीं है, अगर इसको कोई बीमारी हुई तो वो तेरे भरोसे पर। मेरा बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाता, सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष का पानी उसको पिलाती, शिवजी को चढ़ाया हुआ जल उसको पिलाती, 1 महीने में बाबा क्या सुनता है गुरुदेव, मैंने सुना था कथा में पर मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरे बेटे को जब पानी पिलाती, कान के पास में जहाँ गठान थी वहाँ हाथ लगा देती उस पानी का, बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं और गठान भी पूरी गल चुकी थी। आज मैं यहाँ नमन करने, बेटे का फोटो भी लगा रही हूं और जांच भी लगा रही हूं, जांच भी पीछे लगाई हुई। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी है, वो सुनता है, बैठी है, भाव से उससे जो कहा जाए, दिल से जो कहते हैं वो श्रवण कर। आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा में, पर मेरा बाबा तुमको क्या देकर भेजेगा ये तो तुमको मालूम पड़ेगा बाद में कि बाबा ने क्या दिया है, वो देगा। वो किस रूप में देता है ये उसके ऊपर निर्भर। शिव कथा कर भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं और लक्ष्मी जी अपने चित्त को नहीं लगा पाए, अपने मन से कथा नहीं सुन रही है, अपने मन से कोई बात संवाद लक्ष्मी जी नहीं कर रही है। लक्ष्मी जी का ध्यान बटा हुआ है और लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और। भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी जी से प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर माता लक्ष्मी जी ने नहीं दिया, तब नारायण ने अपने नेत्र खोले, खोल कर देखा कि लक्ष्मी जी एक बैकुंठ में एक अश्व आया है, बैकुंठ में एक घोड़ा आया है, उस अश्व को उस घोड़े को माता लक्ष्मी जी देख रही। मन नारायण भगवान के प्रश्न पर नहीं था, बात पर नहीं था, उनका ध्यान एक घोड़े पर था, एक अश्व पर था। कथा में आओ तो एक लक्ष्य लेकर आओ, मुझे कथा सुनना है, आगे बैठूं पीछे बैठूं कहां बैठूं, ये लक्ष्य लेकर आना, मेरा भोले बाबा जहां बिठा देगा वहां बैठकर कथा सुन लूंगी और बाबा का आशीर्वाद लेकर चलूंगी। वो जहां बिठाएगा वहां बैठूं,
हम लोग भजन में गाते हैं, अरे जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है, और सीताराम 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 और किया भी मान तो तू मान नहीं पाएगा, किया भी मान तो तू मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को आएगा। ये हमारे सोचे से नहीं हो सकता, धूलिया वालों ने तो विचार भी नहीं करा होगा 2025 के पहले कि ये कथा धूलिया में हो जाए। मैं आविष्कार को धन्यवाद दूंगा, दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगा, और ये पूरी जो टीम है, श्री सुभाष जी, भामरे जी, श्री बाला साहेब जी, बंदाड़े जी, श्री अनूप जी अग्रवाल जी, श्री आविष्कार जी, श्री चेतन जी, मंडोरे जी, सबको साधुवाद। आपने जिंदगी में कितना भी धन कमाया हो, आपकी कितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हो, आपने कितनी बड़ी भी शादी करी हो, आपने कितने बड़े बड़े फंक्शन करे हो, पर जो कार्तिक के महीने में आज आपने ये संपूर्ण धूलियावासियों को जो दिया है, शिव पुराण का ये गिफ्ट जो दिया है, ये साधारण नहीं, ये जो दिया है ये खाली नहीं। भागीरथ जी महाराज गंगा जी को लेकर आए थे। मैं आविष्कार जी आपको धन्यवाद देता हूं, दादा भाई भूसे को धन्यवाद देता हूं, जो शिव महापुराण को धूलिया तक खींच कर लेकर आए हैं और इस कथा का रस तत्व श्रवण करने का सौभाग्य हमको मिला। चित्त लगाना, मन लगाना, अब ये आपकी जवाबदारी, कथा करवाने वाले ये जजमान ये सब सहयोगियों ने तो कथा करवा दी, अब मन आपको लगाना, दिल आपको लगाना, चित्त आपको लगाना, आए हुए भक्तों की सेवा आपको करना। कल जब हम आए वो पुल के नीचे से अंदर घुसे, पुल के ऊपर भी बहुत सारे चढ़े हुए थे। अब वो पुल तो नया था, उसका तो टेंशन नहीं था, पर जब चलते चलते वहां से आगे बढ़कर एक बीच में पुल आया, दो पुल थे, इधर वाला भी उधर वाला। अब वो पुल तो नया था, ये पुल पुराना था, और उस पे जब भक्त इतने सारे, अब हम उसको आविष्कार को बोल रहे आगे बढ़ा आगे बढ़ा, और वो आविष्कार वो बाजू में इधर अग्रवाल जी टंगे हुए थे इधर बाजू में, तो वो उनसे कह रहे बढ़ाओ। अब अग्रवाल जी तो खुद खिड़की में से टंगे हुए थे इधर पकड़े हुए, अब उन्होंने तीसरे से कहा आगे बढ़ाओ, तीसरे ने चौथे से कहा आगे बढ़ाओ, चौथे से पांचवें ने कहा आगे बढ़ाओ, और पांचवा व्यक्ति मालूम पड़ा बाजू में खड़ा था, अगले वाले पुल में बाजू वाले, और वहीं पर सारे भक्त खड़े। हम भी बाबा से कह रहे बड़ी मुश्किल से फंसे, पुल में दम नहीं दिख रही है, पर धूलिया वालों में बहुत दम है, ध्यान रखना अच्छे से ले। बाबा ने लाज रखी, जैसे धूलिया के लोग दमदार, सिद्ध हो गया पुल भी दमदार, और ऐसा लग रहा था भगवान जाने कि इतनी
हम तो दो चार लोगों से पूछे धूलिया में इतने सारे हैं, तो वो कहे ये तो दिख रहे हैं आधे से ज्यादा बिल्डिंगों पे चढ़े हैं, बिल्डिंगों पे शिव कृपा है। वास्तव में आप लोगों का प्रेम शिव जी के प्रति, शंकर जी के प्रति बहुत है, और मेरा कुबेर भंडारी खूब दे, खूब मेरा कुबेरेश्वर महादेव आपकी झोलियां ऐसी भरे कि आप ऐसे ही शिव महापुराण की कथा करवाते रहें। आज ये भक्त लोग करा रहे हैं, फिर मौका मिले फिर बाबा की कृपा हो फिर बीच में एकाध बार आविष्कार जी को फिर पकड़ लेना, फिर बाबा की कृपा हो फिर योग बने, फिर ऐसा योग बनकर ये भक्तों का भाव शिवमय होता रहे, इससे बढ़कर सुख नहीं। मौका मिला सुनो श्रवण करो और अपनी जिंदगी को धारण करो। कथा कोई भी करा उसको कोई हमें विचार नहीं करना कि कौन ने कराई क्यों कराई किस लिए कराई। अरे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटे पर टूटा तो, पर कथा तो हुई ना अपने क्षेत्र में, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। जीवन का एक लक्ष्य अपने भीतर एकाग्रित करिए, कथा रस तत्व को पाने का प्रयास करिए, मन लगाना। लक्ष्मी जी ने मन नहीं लगाया, भगवान विष्णु ने नेत्र खोल लिए, नयन खोले देखा तो लक्ष्मी जी का ध्यान था एक घोड़े पर एक अश्व पर जो बैकुंठ में घूम रहा। अच्छा एक जगह पर यह कथा कही कि लक्ष्मी जी घोड़े को देख रही थी बैकुंठ में, तो किसी ने पत्र लिखकर भेज दिया कि बैकुंठ में घोड़ा क्या कर रहा था। बैकुंठ में घोड़ा क्या कर रहा था? शिव महापुराण की कथा कहती है वो घोड़ा साधारण नहीं था, वो घोड़ा साधारण नहीं था। जब किसी अश्विक यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है, वो अश्विक यज्ञ का श्वेत अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है, एक क्षण के लिए वो अश्विक यज्ञ का अश्व बैकुंठ में आता है। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखना, एक जब अश्विक यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो वो एक क्षण के लिए बैकुंठ में आता है, उसी तरह जब हम देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, और थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद जब हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल को समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह आपको मालूम है ना, अशोक सुंदरी की जगह सबको ज्ञात है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम जल को समर्पित करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी की जगह पर जब हम जल को समर्पित करते हैं, तो जैसे अश्वमेघ यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, उसी तरह शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जब अशोक सुंदरी पर हम दो बूंद भी अगर चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं, तो वो जल हमारा चढ़ाया हुआ जल का भाग पितृलोक में जरूर जाता है, तो पितृलोक में जरूर जाता है। ये अशोक सुंदरी का जो जल है इसका बड़ा महत्व, एक पत्र में आया भी है, देखिए मेरा नाम वंदना मुरलीधर कोले है, मेरे पति का नाम मुरलीधर पंडित कोले है। बाबा मैं 40 गांव से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं,
वंदना मुरलीधर कोले, मेरे पति का नाम मुरलीधर पंडित कोले, मैं 40 गांव से आई हूँ। कहीं बैठी हो, आप ही हैं? हाथ हिला दो। बधाई आपको बहुत बहुत। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा रोहित मुरलीधर कोले कई सालों से आर्मी की तैयारी कर रहा था पर निकला नहीं, फेल हो जाता था। रेलवे की तैयारी करी, उसमें भी नहीं निकला। और भी तैयारियां उसने करी पर किसी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा बेटा हार गया। तब चैनल पर शिवजी की कथा सुनी आपने, शिवजी पर जल, अशोक सुंदरी पर जल और जलाधारी के जल का वर्णन किया। उस जल को मैंने अपने बेटे से कहा कि तू चढ़ा। बेटा कहता है माँ मेरे दोस्त हंसेंगे मैं अगर मंदिर जाऊंगा तो। मैंने अपने बेटे से कहा ऐसे दोस्त किस काम के जो मंदिर जाने वाले पर हंसे, वो दोस्त नहीं हो सकते। अगर दोस्त मंदिर जाने वाले पर हंसते हैं तो ये श्रेष्ठता नहीं है, तू मंदिर जा। शिवजी को जल चढ़ा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाकर, जलाधारी के चारों ओर जल चढ़ाकर शिवजी को चढ़ाना, बाबा सुनेगा। मां क्या केवल जल का तरीका बदलने से भगवान सुन लेता है? हां। 2021 में आर्मी का एग्जाम फिर आया और मेरे बेटे ने मेरे कहने पर बाबा की कृपा से जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से फार्म तो भरा पर बेटे का उस समय पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तब 2023 में फिर आर्मी की पोस्टिंग निकली। मेरे बेटे ने कहा माँ जब 21 में नहीं हुआ फिर अब क्या होगा? मैंने बेटे से कहा तू मंदिर जाना मत छोड़। 2021 से 23 तक मेरा बेटा मंदिर जाना नहीं छोड़ा। जैसा जल चढ़ाता था वैसा ही चढ़ाना चालू करा। अशोक सुंदरी वाली स्थान पर जल चढ़ाता, जलाधारी पर चढ़ाकर शिवजी पर चढ़ा देता। मेरे बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरा बेटा आज इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा श्रीनगर में ड्यूटी पर लग भी गया है, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आती हूँ। एक लाइन उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, खाली न जाता कोई, इस लाइन को आप भी गुनगुनाइए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बहन। बधाई आपको बहुत बहुत। एक पत्र अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाने का, एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। सो नलूबाई मुरलीधर खैरनार मोहाड़ी उपनगर धूले महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर यह है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो नलूबाई मुरलीधर खैनार मोहाड़ी उपनगर धूले महाराष्ट्र, कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दे सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे दो बेटे हैं, दोनों की कोई नौकरी नहीं थी, लोग हंसते थे मेरे ऊपर मैं जब शंकर को जल चढ़ाती थी। मेरे बेटे 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तलाश रहे थे पर कोई नौकरी नहीं मिली उनको। 2012 से तयासी करते करते नौकरी नहीं लगी, बहुत परेशान हो गए, बेटे मार्ग से भटकने लगे। मैंने मेरे दोनों बेटों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाया, कहती अशोक सुंदरी पर जल चढ़ा, शिवजी पे जल चढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। मेरे बाबा ने क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। मालेगांव की शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंची, मैं दादा बाबू भूसे जी को धन्यवाद दूंगी जिनने कथा करवाई और वहाँ हमने कथा सुनकर उस भूमि को नमन करा और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरे दोनों बेटों का अगर कहीं जॉब लग गया तो मैं कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में जरूर बैठूंगी। गुरुदेव
मेरा बेटा एक 29 साल का एक 27 साल का होते जा रहा, नौकरी लग नहीं रही। मैं कथा में बैठकर, जो कथा में बैठे हुए लोग थे उनको पानी भर भर कर बॉटल में देने लगी, बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मेरे दोनों बेटों की नौकरी लगाना, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मेरा एक बेटा अग्निशमन दल में नौकरी कर रहा है, दूसरा बेटा मुंबई पुलिस में उसकी नौकरी लग गई है, मैं बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व है। बैठिए बहन, दोनों हाथ ला दो एक बार, हर महादेव, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। दिल लगाओ बाबा से। मंदिर जा रहे हो, लोटा भर जल चढ़ा रहे हो, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, जलाधारी पर जल चढ़ाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, ये चढ़ाने से इसका फल मिलता है। हम कहते चढ़ा कर देखिए। भोजन मुख से किया जाता है, पर कभी कभी शरीर में कष्ट हो जाता है तो डायरेक्ट नली डाली जाती है, उससे लिक्विड दिया जाता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कभी कभी वो नली मुख की जगह कहां से देते हैं? नाक से भी देते हैं। कभी कभी वो नली नाक में भी डाली जाती है शरीर में भोजन पहुंचाने के लिए। जब बहुत जरूरी होता है तब नली नाक से लगाकर लिक्विड दिया जाता है, जिससे इसका शरीर वापिस काम करने लगे। उसी तरह कभी कभी महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते, अशोक सुंदरी पर जब जल चढ़ाते हैं तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर अच्छा होने वाला होता है, तब अशोक सुंदरी का जल कारगर हो जाता है। अशोक सुंदरी का मन लगाकर दिल लगाओ। धूलिया के आसपास का जितना क्षेत्र है, शिरपुर हो, आसपास के जितना क्षेत्र है, कहीं गंगाधर भगवान शंकर गंगेश्वर बनकर बैठे हैं, कहीं रुद्रेश्वर बनकर बैठे हैं। धूलिया के आसपास के क्षेत्र में जहां भ्रमण करोगे वहां कहीं ना कहीं एकांत में तुम्हें शिव जरूर मिलेंगे। कहीं पिपलेश्वर, कहीं गंगेश्वर, कहीं हाटकेश्वर के रूप में बाबा बैठा हो। भक्तों के कल्याण, लक्ष्मी जी का मन नहीं लगाता, घोड़े पर उनका ध्यान चले गया, अश्व पर। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए बैकुंठ जाता है, अशोक सुंदरी पर चढ़ाया गया जल, जब शिव जी पे चढ़ाते चढ़ाते जल को अशोक सुंदरी पर चढ़ा देते हैं तो वो जल पितरों के पास जरूर जाता है। जैसे अपने कोई कामना करते हैं, अपना कोई काम नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी अटक गई, कोई कार्य अटक गया, कोई पैसा अटक गया, कोई लक्ष्मी अटक गई, तो अपन पांच जगह पर जल चढ़ाना चालू कर देते हैं। कितनी जगह पर जल चढ़ाते हैं? पांच जगह। जब अपना कोई पैसा अटक जाता है, कोई कार्य अटक जाता है, कोई फाइल अटक जाती है, कोई काम नहीं होता, तो पांच जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते। पहला, ये शिवलिंग जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, पांच जगह पर हम जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते जब कोई काम अटकता। पहला गणेश जी के स्थान, दूसरा षडानंद कार्तिकेय का स्थान, तीसरे नंबर पर अशोक सुंदरी का स्थान, चौथे नंबर पर जलाधारी के चारों तरफ, और पांचवा शिवलिंग का स्थान। जब हम यहाँ से जल चढ़ाना चालू करते हैं, फिर जल को यहाँ चढ़ाते हैं, फिर मध्य चढ़ाते हैं, फिर जलाधारी पर चढ़ाते हैं, उसके बाद शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, और धीरे धीरे जल चढ़ाकर अपनी जब कामना कहते हैं कि तब ही कहीं पर भी पैसा अगर अटका होता है, तीन चार महीना अगर लगातार रोज जल चढ़ा है तो बाबा रास्ता खोज ही देता है, वो आता ही।
चाहे कोई कंपनी में अटक गया, कोई कहीं अटक गया, या कोई फाइल अटक गई, या कोई कार्य अटक गया, तो बाबा सुनता निकालता जो बस आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र कह रहा, शिव कथा का लक्ष्मी जी का ध्यान अश्व पर, घोड़े पर लक्ष्मी का ध्यान। कभी कभी ध्यान भटक जाता है, कभी कभी ध्यान भटक जाता है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया था। शंकर जी के मंदिर में कथा चल रही थी, हर हर महादेव लोग कह रहे थे। देवराज का मन नहीं लगा, उसका मन केवल चोरी के समान पर था, और शरीर में जो ताप पड़ रहा था, शरीर में जो बुखार आ रहा था, ताप बढ़ रहा था, उस पर उसका ध्यान। शरीर में कष्ट बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है तो व्यक्ति की भूख समाप्त हो जाती है। शरीर में जब बुखार बढ़ा, ताप बढ़ा, तो भूख समाप्त हो जाती है, भोजन समाप्त हो जाता है। और जब हमारे घर में पाप बढ़ता है तो भजन समाप्त हो जाता है, भगवान का नाम निकलना समाप्त हो जाता है। तुम्हारे घर में जब बहुएं भगवान को दिया ना लगाए, अगरबत्ती ना लगाए, सेवा ना करे, भगवान का भजन ना करे, घर के बच्चे, घर के बेटे बेटी, पोता पोती, पंती नाती, जब भगवान को भजना बंद कर दें, संपदा बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, फैशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ा, पर भगवान का भजन कम हो गया, तो समझ लेना कि धन तो बढ़ा पर पाप ज्यादा हो गया, इसलिए भजन छूट गया। जिसके घर में भजन होता रहे तो समझ लेना तुम्हारे घर में पाप नहीं आ सकता, भजन का बल बढ़ा। पाप नहीं आ सकता, भजन का बल बढ़ा है तुम्हारे यहां, तुम्हारी भक्ति बढ़ी है, तुम्हारा विश्वास बढ़ा है। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को यह सिखा दो कि एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तक जाए, तुम्हारा महादेव के मंदिर तक तुम्हारा बेटा अगर जाएगा तो उसका बल प्रबल होगा, उसका बल प्रबल जाए मंदिर तक। उसके भरोसे छोड़ना, एक माने जैसे कहा ना कि मेरे बेटे के कान में गठान हो गई, डॉक्टर कह रहा है कि गलत हो सकती है, जांच होगी, उसने अपने बेटे को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, छोड़ दो उसके भरोसे, दे दो उसके भरोसे। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, आपको आता है, आता है, एक लाइन जरा गाओ तो जरा जम के, तेरे भरोसे तू जाने तेरा अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा धाम जाने, हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा धाम जाने, 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 तू जाने तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, बोलो।
बोलो बोलो तेरा काम जाने। अरे तेरे भरोसे मेरी गाड़ी हो जाने तेरा काम जाने। हो तेरे भरोसे मेरी गाड़ी हो जाने तेरा काम जाने। जय हो हो राधे हरि बोल। जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण में आया, जब से बाबा शरण जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम जाने। अरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। हरि वो राधे शंभो।
तेरे भरोसे एक आस लगी है, तेरे भरोसे एक आस लगी है, तेरे भरोसे एक आस लगी है, चरणों में अरदास लगी है, चरणों में अरदास लगी है, रख न लाज हमारी तू जाने तेरा काम ना, लाज हमारी तू जाने तेरा काम जाने, 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 जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, ओ भोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, बाबा तेरे भरोसे मेरी जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, अरे अपने स्थान पर बैठकर बाबा से कार्तिक के महीने में शिव महापुराण की कथा धूलिया नगर बड़े भाव से प्रार्थना करिए। जो टीवी के सामने बैठे हैं वो टीवी के सामने, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं मोबाइल की साक्षी में, जो पंडाल में बैठे हैं पंडाल की साक्षी में, भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बोलिएगा, श्री शिवा नमस्तु, 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 सब दुख काटो हमारा, ओला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जब तेरी माला, भोले बाबा जब तेरी माला, भोला सब सब दुख काटो, वेश है मंगल कारी, वेश है मंगल कारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है देवराज नाम के ब्राह्मण का मन कथा में नहीं लगा, धन में लगा रहा, बुखार में स्वास्थ्य में लगा रहा, आखिरी में प्राण छूटे, वो तो माँ ने एक लोटा जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिला, कैलाश धाम पर गया, क्योंकि दो क्षण की शिव महापुराण की कथा उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गई थी। बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक के जाने के बाद चंचुला देवी ने काशी का स्नान पूजन करा, प्राण छूट गए, प्राण छूटे, तब जो आनंद
कैलाश धाम में प्राप्त किया। तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा करवाई, जिसको भगवान देव अधिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी गणा और गौर बनकर कथा को श्रवण करे, भाव से उन्होंने कथा सुनी। कभी जिंदगी में मौका मिले किसी तीर्थ में कथा सुनने का, कभी मौका मिल जाए तुम्हारे आसपास के क्षेत्र में तीर्थ में कभी कथा हो शिव महापुराण की, तो प्रयास करना कि बाबा कभी करुणा कर दे तो उस कथा को जरूर सुनो, जिससे उस तीर्थ की कथा का फल हमारी जिंदगी में हमेशा अटल बना रहे। ईश्वर जी गोरा जी पधारे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री ईश्वर जी गोरा जी का। भाव से भगवान शंकर करुणा सागर तुमरुका जी कथा करें, ईश्वर जी गोरा जी कथा श्रवण करें। भगवान देवाधिदेव महादेव महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा जो धूलिया नगर में 5 दिवसीय चल रही है,